नमस्कार मित्रों, मैं हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। श्राद्ध के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए। बहुत छोटा परिवार है आज की तारीख में, किसी के एक लड़की है, किसी के एक बेटा है। ऐसी परिस्थिति में श्राद्ध कौन कर सकता है, क्या विधि सम्मत है सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में? बेटी होने पर श्राद्ध कौन करेगा अगर बेटा नहीं है तो? बेटी है घर में और बेटा नहीं है, तो इसके बारे में पूर्ण विवरण मैं आपको दे रहा हूं। शास्त्रों में वर्णित है कि पिता का श्राद्ध पुत्र करेगा, पुत्र नहीं हो तो उसकी पत्नी करेगी, पत्नी नहीं हो तो उसका सगा भाई करेगा, और सगा भाई ना हो तो भतीजा कर सकता है। बहुत अधिक पुत्र हैं किसी के, दो तीन चार, तो सबसे मुख्य मान्यता यह है श्राद्ध के बारे में कि छोटे भाई अगर नहीं भी करते हैं तो बड़े भाई को श्राद्ध जरूर करना है अपने पिता का। अगर घर में पुरुष नहीं है, यानी बेटा भी नहीं है, भाई भी नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या नहीं है, तो पुत्री का पति या पुत्री का पुत्र कर सकता है। पुत्र नहीं है तो पौत्र यानी लड़के का लड़का, या लड़के के लड़के का लड़का प्रपौत्र या ध्योता बोलते हैं जिसको, लड़की के बेटे को। और पुत्र भी नहीं है, पौत्र भी नहीं है, प्रपौत्र भी नहीं है, ध्योता भी नहीं है, तो विधवा स्त्री स्वयं कर सकती है, इसमें कोई निषेध नहीं है। गोद लिया हुआ पुत्र करे ना करे ये बोला जाता है। जब आपने सनातन संस्कृति में किसी व्यक्ति को, बच्चे को गोद ले लिया तो वो आपका पुत्र बन जाता है, आपका गोत्र उसको मिल जाता है, तो वो भी पितृ श्राद्ध कर सकता है, पिंडदान कर सकता है, तर्पण कर सकता है। कुछ भी नहीं है कोई, मान ले किसी के, तो कोई शिष्य, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कुल का पुरोहित भी श्राद्ध कर सकता है। पुत्री कर सकती है, किसी भी ग्रंथ में यह वर्णित नहीं है कि पुत्री नहीं कर सकती। अगर किसी के लड़का नहीं है, भाई बंधु भी नहीं है, तो पुत्री भी कर सकती है, क्योंकि पितृ का ऋण उसकी भी लग्न कुंडली में नवम भाव में दर्शाता है, वो भी पीड़ित होती है पितृ दोष से। तो अगर वो स्वयं भी करती है श्राद्ध पिंडदान, तो उसको भी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए श्राद्ध पिंडदान करने में पुत्री की तरफ से भी कोई बुराई नहीं है। जो पितर हैं हमारे, श्राद्ध पक्ष में धरती पर आते हैं, अपनी तिथि के अनुरूप अगर हम उनका श्राद्ध करेंगे तो प्रसन्न होकर जाते हैं अपने लोक, और आपको पूर्ण आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितृ दोष से भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, आपका घर में हर तरह के मांगलिक कार्यों में वृद्धि होती है, और रुके हुए कार्य भी बनते चले जाते हैं, धन संपत्ति की वृद्धि होती है। दोस्तों, इसी तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ जानने की इच्छा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक प्रश्न भेज सकते हैं, जवाब देने की पूरी चेष्टा करते हैं। धन्यवाद।